फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गर्जा मंदिर, जो उत्तराखंड में रामनगर में है गर्जा मंदिर, और आज हम आपको दिखाएंगे गर्जा मंदिर की वीडियो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गर्जा मंदिर की वीडियो कैसी लगी। वहाँ पर माता रानी का मंदिर है और आप अपनी मनोकामना बोलना, वहाँ पर जरूर पूरी होती है। और मैं भी प्रार्थना करूंगी कि मेरी पूरी YouTube फैमिली की, जो भी मेरे फ्रेंड हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो और जो नहीं भी हैं उनकी भी पूरी हो। तो मिलते हैं आगे वीडियो पे। अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर के डिग्री कॉलेज। देवा शांत करो, रामनगर का डिग्री कॉलेज ये देखिए। अभी आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि हम गाड़ी में हैं। और हम पहुंच चुके हैं रामनगर के मार्केट में, ये देखिए बाहर। रामनगर के मार्केट का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ये देखिए ऊँट और एक घोड़ा, दो ऊँट और एक घोड़ा ये देख सकते हैं। और आगे देखिए हाथी, ये देखिए दो हाथी यहाँ पर। और फिर अभी आपको देखने को मिलेंगे घोड़ा और ऊँट, ये देखिए बहुत सुंदर। एक ऊँट और एक और, ये देखिए। वीडियो को पूरा देखना तभी आप फुल एंजॉय कर पाएंगे वीडियो को। और ब्यूटीफुल नेचर व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। एक मंदिर यहाँ पर है गर्जा मंदिर से को जाने के रास्ते में, पहले ही ये मंदिर पड़ता है। और ये एक ब्रिज है, पुल, इसको पार करके जाना होता है। वीडियो में आपको नेचर का पूरा व्यू दिखेगा उत्तराखंड के। अगर आपको नेचर का व्यू लेना है, पहाड़ी एरिया का, अगर आपको सुंदर सुंदर नज़ारे देखने हैं तो ये वीडियो को देखिए। बहुत हम पहुंच चुके हैं गर्जा माता के एंट्री गेट पे, ये देखिए। बोल गर्जा माता की जय। यहाँ से एंट्री शुरू हो चुकी है और अभी थोड़ा और जाना है हमको, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आगे को कैसे मंदिर तक हम पहुंचेंगे। ये देखिए ये लोग दर्शन करके आ चुके हैं। और नेचर का व्यू देखिए, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ देंगे और यहां से अब हम जाएंगे पैदल। गाड़ी से उतरने के बाद ये देखिए रास्ते में दुकानें सजी हुई हैं। यहां पर आपको प्रसाद, घंटियां, खिलौने और जो भी आप सामान लेना चाहते हैं, सिंदूर, बिंदी, सब कुछ यहाँ मिलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, नारियल, चुनरी, ये देखिए। बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके, और जो भी आप मनोकामना बोलोगे यहाँ ज़रूर पूरी होती है। बहुत अच्छा माता रानी का मंदिर है। अगर आप कभी इधर को आओ तो रामनगर के गर्जा मंदिर में जाना, बिल्कुल मत भूलना। बहुत अच्छा मंदिर है, हम लोग यहाँ जाते रहते हैं, पर एक साल से नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे वो आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। अब हम यहाँ से अंदर को जाएंगे और ये देखिए यहाँ से आपको पहाड़ी एरिया दिख रहा होगा, पहाड़ दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर है। और हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, नीचे से ऊपर तक पूरी सीढ़ियाँ हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी आगे है, वीडियो बना रही है, और बेटा मेरे पीछे है। सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से जाना होता है ऊपर। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, भीड़ बहुत कम थी, ना के बराबर भीड़ थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पानी भी है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। यहाँ से घर जाने को दिल बिल्कुल नहीं करता है। मैंने बीच में आवाज़ नहीं डाली क्योंकि मंदिर में घंटियों की आवाज़ आ रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम मंदिर की परिक्रमा करेंगे, मैंने आपको माता रानी के दर्शन करा दिए हैं।
और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर मैं एक घंटी बांधूंगी। मैंने मेरी मनोकामना पूरी हुई थी तो मैंने बोला था कि मैं घंटी बांध कर जाऊँगी, तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे घंटी बांधेंगे, ये देखिए। और मैं यहाँ पर गांठ भी बांध कर गई थी, गांठ भी खोलूँगी मैं आज और एक घंटी भी बांधूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने घंटी बांध दी है। और अब हम आ चुके हैं, ये देखिए गिरजा मंदिर का ब्यूटीफुल व्यू मेरे पीछे। देखिए एक सिंपल सी चोटी है, उस पर गिरजा मंदिर है, देखिए उस पर माता रानी का मंदिर है। ना इधर से कोई सहारा ना उधर से कोई सहारा, इतनी शक्ति है इस मंदिर में। ये देखिए इस चोटी पर ये मंदिर टिका हुआ है। और यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ से। मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो को फुल एंजॉय करना और स्किप बिल्कुल मत करना, और जो भी आपकी मनोकामना है ज़रूर बोलना। और यहाँ ये माता रानी के मंदिर में ज़रूर पूरी होती है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू। अभी यहाँ जो पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत सी दुकानें बह गई हैं और सारे पत्थर ही पत्थर, रेत ही रेत हो गया है। इस तरीके से पानी से पार करके हम जाएंगे ऊपर, ये देखिए। और यहाँ पर भी हम जा रहे हैं, अभी एक मंदिर से हम होकर आ चुके हैं। अब ये नदी के पार दूसरा मंदिर है, छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं, गणेश जी का, शिव जी का, माता रानी का। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। और भैरव बाबा का भी मंदिर है, वहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है, उसको भी चढ़ाएंगे। और मंदिर से होकर के अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा नाश्ता। तो ये देखिए यहाँ पर हम खा रहे हैं छोले भटूरे और चाउमीन। थोड़ी सी पेट पूजा भी करनी ज़रूरी है क्योंकि भूख लग गई थी, बिना नाश्ता करे हुए हम आए थे, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे मिलूँगी वीडियो पे। ये दूसरी प्लेट भी आ चुकी है छोले भटूरे की, ये देखिए। अब हम आ चुके हैं गिरजा मंदिर से, दर्शन भी कर लिए हैं और नाश्ता भी कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं घर। ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। और गाड़ी में अब हम रखेंगे ये माता रानी की, हमने एक मूर्ति ली है छोटी सी, इस तरीके से डब्बे में है ये कवर, उसको हमने इसमें चिपका दिया है। और ये चुनरी हमें पंडित जी ने दी थी तो उसको भी हम गाड़ी में बांध देते हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें बांधेंगे घंटी, ये देखिए इस तरीके से घंटी भी बांध दी है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी ली थी और एक बार भी हम मंदिर लेकर नहीं आए थे, आज गाड़ी को भी मंदिर ला गए हैं। गाड़ी में घंटी बांध दी है, माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया हमारी गाड़ी को। तो फ्रेंड्स अब हम मंदिर से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर को।